टुडे आई एम रिवाइजिंग इन अ वेरी शॉर्ट मैनर द हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप. राइट नाउ वी हैव थ्री चैप्टर्स विच वी हैव डन. वन इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकेंड इज नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड थर्ड वन विच वी हैड डन वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो आई एम टेकिंग द रिविजन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वंस अगेन. So it's a short revision. Be alert. You will be able to understand everything, the questions that you can get from this particular chapter. When we say rise of nationalism in Europe, this is हम थोड़ा सा बैक जाएंगे. दैट इज वेयर फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली एंडेड, जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा एंड हुआ था. दैट इज एक्चुअली द पॉइंट, द पीरियड व्हेन नेशनलिज्म स्टार्टेड, द वर्ड नेशनलिज्म स्टार्टेड स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. और उसमें सबसे पहला एक मेजर, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है यूरोप. तो द वेरी फर्स्ट वॉज यूरोप वेयर दिस स्प्रेड. तो हाउ इट स्प्रेड? इन द बिगिनिंग इफ यू सी देर इज दिस पिक्चर, ये वाली जो पिक्चर है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पिक्चर हैज कम एज इंटरप्रिटेशन इन वन मार्कर. तो दिस इज द प्रिंट विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक शौरे. आपके पेपर में ये सब वन वन मार्कर क्वेश्चन है, इसे किसने बनाया था. एंड उस वक्त में ही हैड मेड वन व्हाट यू कॉल एज पिक्चर विच शो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जो कि उस वक्त में दीज टर्म्स वर नॉट देयर. And in that, you could see the people of Europe, America, they are all going, and it's like Statue of Liberty के सामने वो लोग खड़े हैं. If you see, there it is there. And then it is showing जो नीचे गिरा हुआ है, और ये सारे जो लिखे हुए ना बच्चे, ये सब कुछ आपके पेपर का एक एक मार्क का क्वेश्चन होता है. ये जो नीचे पड़ा हुआ है एवरीथिंग, दिस इज शैटर्ड, दिस इज एब्सोल्यूटिस्ट. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट? यानी कि द पावर विच इज फाइनल, वेयर यू डोंट हैव द वर्ड, आपके पास कोई पावर नहीं होता उनसे क्वेश्चन पूछने का. इसको लोगों ने यूटोपियन विजन कहा. एवरीथिंग विच इज रिटन इन कलर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन वन मार्कर एमसीक्यू. तो यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन मीन समथिंग विच इज नॉट रियल, विच मतलब होता है ना सपना है ये. आर यू लुकिंग फॉर विच? उस वक्त में इट लुक्ड, एंड हेयर यू कैन सी द फ्लैग्स ऑफ यूएस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी. एंड अगर हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हमें यही पता लगता है कि जिस तरीके से ये लिखा बना हुआ ना, इट वॉज एक्चुअली द वे द नेशंस रिकॉग्नाइज्ड देमसेल्व्स. एंड इसमें लिखा हुआ है द क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, सब लोग जो हैं दे आर सिंबलाइजिंग फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, टुगेदरनेस. वी हैड ऑलरेडी रेड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्लास 9. तो दैट वॉज वेन पीपल वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ द मोनार्की, जो हमारा फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट था. दे वॉन्टेड दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोनार्की द स्टेट, बट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, अ सोशल एग्रीमेंट. और उन लोगों ने अपने इस आइडिया को, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. What did the French revolutionary practice for creating a sense of collective identity?
A 5 marker question, a very important question, a very repeated question. In this, the French revolutionaries जो हैं उन लोगों ने अलग अलग चीजें की. फॉर एग्जाम्पल दे सेड ला पैट्री, फादर लैंड. दे इंट्रोड्यूस द टर्म सिटॉयन, क्योंकि उससे पहले सिटीजन नहीं हुआ करता था, इट वॉज मदाम और मॉनचिन, मतलब कि मिस्टर एंड मैडम. देर वॉज अ न्यू ट्राई कलर फ्लैग, पहले रॉयल स्टैंडर्ड जो मोनार्की था उसके लिए होता था, बट नाउ देर वॉज अ नेशनल फ्लैग. देर वॉज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड नेशनल असेंबली, सम एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीजन जिसमें सबके लिए इक्वल लॉ, इंटरनल कस्टम्स अबॉलिश्ड, एंड जो फ्रेंच था दैट वॉज अ कॉमन लैंग्वेज. इन दिस मैनर दे ट्राई टू से कि वी बिलोंग टू वन नेशन एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्म आइडियल्स. 5 मार्कर क्वेश्चन. फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा कहाँ खत्म हुआ था? इट एंडेड व्हेन वी हैड द अटैक ऑन नेपोलियन. नेपोलियन का जब डिफीट हुआ था, दैट इज 1815, द बैटल ऑफ वॉटरलू. तो नेपोलियन ने अपने कोड में क्या किया था? अगेन दिस हैज बीन अ 5 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन, मीन्स दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो नेपोलियनिक कोड जो है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब वी कॉल इट एज सिविल कोड 1804 और नेपोलियनिक कोड. अकॉर्डिंग टू दैट ही हैड एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी. ही हैड इवन सिंप्लीफाइड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. देन जो फ्यूडल सिस्टम्स होते थे, फ्यूडल का मतलब होता है इन द रूरल एरियाज जहां पे जो मतलब कि हमारे यहाँ जैसे जमींदार होते हैं, वहां पे जो फ्यूडलिज्म होती थी दैट वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड. सर्फडॉम यानी कि फ्री लेबर, मेनोरियल ड्यूज जो मेनर्स होते थे बड़े बड़े मतलब कि मकान के, दे यूज टू चार्ज, उसको हटा दिया. द गिल रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यूनिफॉर्म लॉ, ये सब इंट्रोड्यूस किया. बट वाई ही वॉज, मतलब इतना मॉडर्नाइजेशन करने के बावजूद वाई ही वॉज नॉट सक्सेसफुल? दिस इज बिकॉज ही हैड टेकन ऑल हिज फैमिली मेंबर्स एंड ही वॉज ट्राइंग टू ओवर पावर ऑल द एरियाज अराउंड फ्रांस. और इसीलिए पीपल हु ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब जो नेशंस थे, दे वर एंगर्ड एंड देयर वॉज बैटल ऑफ वॉटरलू इन विच ही वॉज डिफीटेड. एट दैट टाइम, ये वाला जो टाइम है 1815 वाला, दिस इज अ टाइम वेन वी डिड नॉट हैव वॉट वी हैव टूडे. जर्मन का स्टेट, इटली का, नो, दे वर डिवाइडेड इन टू किंगडम्स, डचेस, कैंटॉन्स, मतलब उनको अलग अलग नाम से बोला जाता. दे वर मोनार्कीज और एक मोनार्की के नीचे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे. दे डिड नॉट हैव एनी कलेक्टिवनेस, मतलब दे वर नॉट ऑल फ्रेंच, दे वर नॉट ऑल जर्मन, दे वर नॉट ऑल स्विस. तो दे वर ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड दे लिव अंडर वन सिंगल रूलर. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. जो हैब्सबर्ग था, अ स्पेसिफिक एरिया, देयर अगेन देयर वर डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट पीपल. जो आपके स्विट्जरलैंड के ऊपर का अल्पाइन है, वहां पर वी हैड रिच पीपल जर्मनी बोलते थे, बाकी लोग इटालियन बोलते थे. सम ऑफ देम स्पोक मागियार, सम स्पोक पॉलिश, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज लाइक बोहेमिया, स्लोवैक्स, क्रोएशिया, ये सब वहां पर रहते. आपका जो हैब्सबर्ग वाला क्वेश्चन है, इसमें हंगेरी एंड गैलिशिया में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, इससे क्वेश्चन आया हुआ है. इन हंगेरी इट इज माग्यार, इन गैलिशिया इट इज पॉलिश. ये पेपर में आया हुआ. दिस इज व्हाट द हैब्सबर्ग इज. यू कैन सी द मैप, मतलब एक तरफ ईस्ट गैलिशिया है, वहां लोग पॉलिश बोलते थे,
दूसरी तरफ आपके ट्रांसलेवनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, मीन्स एवरी द ये पूरा एक है, लेकिन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक पे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स मीन्स द रिच पीपल, द वन हु हेल्ड पावर्स, नॉट द किंग्स, द पावर्स, एरिस्टोक्रेट्स भी पावर, मतलब कि वो किंग्स भी होते थे, बट दे वर द रिच पीपल, उनके पास बड़े बड़े मकान होते थे इन द कंट्री साइड, हाउसेस, एंड फ्रेंच वॉज ऑलवेज डोमिनेंट, अभी भी यूरोप में फ्रेंच इज वेरी डोमिनेंट, एंड देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड थ्रू मैरिजेस, बट अगर हम उनके नंबर को देखें, एरिस्टोक्रेट्स वर लेस एंड पीजेंट्स वर मोर, एंड ये जो पीजेंट्स होते थे, दे हैड टू वर्क फॉर अदर्स, दे वर ईदर सर्व्स, सर्व्स मतलब जो फ्री में लेबर देते थे, और इनकी जो विमेन होती थी, दे वर नॉट एजुकेटेड, दे वर्क लाइक मेड्स, हाउस मेड्स, फ्लोरिस्ट, बट नंबर इनके ज्यादा थे, मतलब इन पॉपुलेशन, एंड दैट वाज व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट कुछ लोग हैं जो रिच हैं, बट दे आर डोमिनेंट ऑन द मोर पुअर पीपल, दैट वाज द टाइम व्हेन इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग अप। पहले इंडस्ट्री से पहले क्या होता था, पीपल यूज टू बी इन द एग्रीकल्चरल एरिया, और एग्रीकल्चर में एज यू नो देर आर मतलब पैसा कम होता है, वेर एज वेन द इंडस्ट्रीज केम, पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन दैट, देर वॉज कमर्शियल क्लास, पीपल स्टार्टेड बिकमिंग बिजनेसमैन, ट्रेड्समैन, प्रोफेशनल्स, सोशल ग्रुप्स आने लग गए इन मतलब की, एंड नाउ दे वर अर्निंग मनी ऑल्सो, एंड दीज वर द पीपल, द एजुकेटेड मिडिल क्लास, जहां पर ये आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, ये आने लगे, दैट वॉज द टाइम, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग द वर्ड लिबरलिज्म। ये वन मार्कर क्वेश्चन है, वॉट इज द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम, ये आया भी है, ऑल द क्वेश्चन विच आई एम स्पीकिंग अप आर ऑल पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स इन वन और द अदर एग्जाम और मे बी इन द बोर्ड्स। लिबरलिज्म मीन्स लिबर, फ्रीडम, फ्रीडम, एंड वॉट दे वॉन्टेड, उनके लिए लिबरलिज्म क्या था, फॉर दीज पीपल, फॉर दीज मिडिल क्लास पीपल, दोज हु आर इक्वालिटी, अ गवर्नमेंट विच इज बाय कंसेंट, नॉट प्रेशराइज्ड, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन से आपका फ्रांस के अंदर क्लरिकल, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस थे वो हट गया था, देर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सो दे वॉन्टेड कि ऐसा ही बाकी जगहों पर भी हो, जहां प्रॉपर्टी इज नॉट बिलोंगिंग टू वन कैटेगरी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हमने क्या देखा था, द प्रॉपर्टी कुड बी बॉट ओनली बाय द नोबल्स एंड द रिचेस, दोज हु आर प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, तो दिस वाज द सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोप इन ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट वाज द सोशल एरिया। अब इकोनॉमिक एरिया में क्या था, एंड व्हाट वर द इकोनॉमिक, उनको इकोनॉमिक में क्या चाहिए था, व्हाट डिड दे वांट, पॉलिटिकली दे वांटेड इक्वल राइट्स, पॉलिटिकली दे वांटेड इक्वल राइट्स फॉर वोटिंग, दे वांटेड अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सोशली दे वांटेड टू रिमूव ऑल दोस प्रिविलेजेस, नाउ इकोनॉमिकली व्हाट दे वांटेड, इकोनॉमिकली उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, जहां पर दे आर एबल टू सेल बाय द प्रोडक्ट्स, फ्री मूवमेंट हो, देर इज नो गिल्ड, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। पहले क्या होता था, अगर एक इंसान को, इफ अ पर्सन, अ मर्चेंट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम हैमबर्ग टू न्यूरमबर्ग, उसको 11 कस्टम बैरियर्स देना मतलब कि पास करना पड़ता था, और हर जगह पर 5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, सो दे वांटेड टू रिमूव दैट, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी, तो उन लोगों ने जो है इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए दे फॉर्म्ड अ
यूनियन कॉल्ड जॉलवेरिन. When I had took this, I had taken this chapter earlier. I told you this question was first question in most of the board question. What is Zollverein? अभी तो आपके मतलब you have the MCQs, but at that time even when it was a one marker question, this was a very fast question. What was Zollverein? So Zollverein, that means the freedom. It was a trade union. It was formed in Prussia. And it was supported by many European German states. According to Zollverein, the tariff barriers should be reduced, abolished. जो करेंसीज थी उन दिनों में 32 करेंसीज हुआ करती थी. तो दे वांटेड देयर शुड बी लेसर करेंसी जिसकी वैल्यू इक्वल हो. प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे, करेंसीज के अलग अलग होने में. आप जब किसी भी देश में जाते हो तो उस करेंसी का जो रेट होता है यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली. सो फॉर अ बिजनेसमैन इट इज अ लॉस. एंड इफ देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी और थोड़ा सा मतलब कि देयर इज सम कंट्रोल, तो दैट वुड नॉट बी अफेक्टिंग हिम. दे वांटेड मोर रेलवे नेटवर्क एंड ऑल. दिस वाज द नेशनल सॉरी इकोनॉमिक में वो उन लोगों को जो है लिबरलाइजेशन ऐसा चाहिए था. दिस वाज द डिमांड ऑफ द पीपल. दिस इज वेन द पीरियड ऑफ नेपोलियन एंडेड एंड दिस इज द आइडियाज ऑफ दीज वर द आइडियाज ऑफ पीपल अक्रॉस यूरोप. अब जो नेपोलियन था वो फ्रांस में एंड हुआ था. फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वॉटरलू, देयर वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कांग्रेस कॉल्ड अपॉन. अब प्रॉब्लम क्या थी, कंजर्वेटिव जो थे दे वांटेड टू रिटर्न बैक, वो लोग वापस आना चाहते थे. मतलब कंजर्वेटिव कौन थे, द मोनार्कीज, द चर्च, दोज अरिस्टोक्रेट्स, दे वांटेड दैट देयर शुड बी सम चेंज. मॉडर्निटी होनी चाहिए लेकिन जो कंट्रोल है दैट शुड बी ओनली मोनार्की. दे डिड नॉट वॉन्ट डेमोक्रेसी, दे डिड नॉट वॉन्ट सोशलिज्म, दे डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स. वो कंट्रोल अपने पास रखना चाहते थे बट दे वांटेड सर्टेन चेंजेस. नाउ द यूरोपियन पावर्स जिन्होंने डिफीट किया था नेपोलियन को, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, वन मार्कर क्वेश्चन, दे ऑल जॉइन टूगेदर इन द ट्रेटी ऑफ वेना विच वॉज हेल्ड इन 1815. एंड इट वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच. ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्लास 10. इन दिस व्हाट दे डिड इज जो डायनेस्टीज यूरोप में अलग अलग थी, जैसे फ्रांस था, फ्रांस के कई एरियाज को ज्वाइन किया गया था, उन एरियाज को हटा दिया गया. बोरबोन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर टू द पावर. फ्रांस के बॉर्डर्स में नए एरियाज को डाल दिया. नीदरलैंड्स जो बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम भी था, उसको नॉर्थ की तरफ फ्रांस के, और जिनीवा को साउथ की तरफ डाल दिया फ्रांस के. प्रशिया जो है इट वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज. प्रशिया नाउ इट इज नॉट जर्मनी, प्रशिया देवर. देन ऑस्ट्रिया वॉज गिवन टू नॉर्थ इटाली एंड रशिया को पोलैंड के कुछ हिस्से दे दिए गए. एंड दिस वे अ न्यू काइंड ऑफ यूरोपियन मैप वॉज मार्क्ड. अब ये कंजर्वेटिव जो थे दे वर वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज दे हैड बीन सेट अप. ऑस्ट्रिया में भी उनका ही था, स्पेन में भी देवर देयर, इन इटाली ऑल्सो देवर देयर. तो देवर वेरी ऑटोक्रेटिक. दे डिड नॉट लाइक एनी क्रिटिसिज्म, दे डिड नॉट लाइक एनी वन हु क्वेश्चन देम. उन्हें कोई भी क्वेश्चन करता था वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. सो दे यूज्ड द सेंसॉरशिप. सेंसॉरशिप क्या होता है बच्चे, कंट्रोल ऑन योर स्पीच, वर्ड्स, प्रोटेस्ट. दे डिड नॉट वॉन्ट एनी आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम. अब इसीलिए लोग ज्यादा परेशान हो गए बिकॉज इट वॉज मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ सोसाइटी जैसा पहला था. जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जैसा था वैसा ही हो गया वापस, थोड़े से चेंजेस हुए थे बस. एंड
Those who started these revolution, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था गिसप मजनी का. दिस कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ दिस क्वेश्चन कम्स राइट अ शॉर्ट नोट, यू कैन राइट इट इन पैराग्राफ. देर इज नो, मतलब कि देर इज नथिंग लाइक यू हैव टू राइट इट ओनली इन पॉइंट्स, राइट. ही वॉज बॉर्न इन जिनीवा. And he had formed some secret societies like Young Italy, Young Berlin. He wanted the freedom of Italy, जो सबसे उनका important एक था. He believed that God has created the nations and we should not divide it. और इसीलिए गिसप मजनी was not liked by many autocrats, and Metternich उनको the most dangerous enemy of social order बोलते थे. One of the most important repeated question, who described Mazzini as the dangerous enemy? या फिर who was described as the most dangerous enemy by Metternich? दोनों साइड से आते. तो he was one of the key person behind some of the revolution, specifically in Italy. अब हम लोगों को जुलाई वाला तो याद होगा. दिस इज अ फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है वहीं से है. दिस वॉज वेन द फर्स्ट अपहीवल हैड टेकन इन फ्रांस. जो बोरबोन थे उनको ओवरथ्रो किया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड. एंड दैट इज वाई मेटरनिच सेड, इफ वेन फ्रांस नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. इसका मतलब होता है इवन अ सिंगल मूवमेंट इन फ्रेंच इज अ स्पार्क फॉर द एंटायर यूरोप. और इस जुलाई रेवोल्यूशन के साथ ब्रसेल्स जो बेल्जियम में था वहां पर भी देयर वाज रेवोल्यूशन, एंड बेल्जियम जो है इट वाज कट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. उस वक्त यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स भी था. So this was how the फ्रांस के अंदर जो स्पार्क हुआ था, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, उसका असर ये था कि दैट कुड बी सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, स्पेसिफिकली लाइक इन बेल्जियम. इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, व्हेन फ्रांस नीजेस, ये वाला जो है किसने बोला था, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड वाला जो है ये किसने बोला था. Now the next is, so this is how things took place. अब हम आते हैं एक-एक करके all the places जहां पे इंडिपेंडेंस के लिए लोगों ने लड़ाई की. Now ये जो लड़ाई है ना, ये इंडिया की लड़ाई से बिल्कुल अलग है. आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इंडियन मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट इन यूरोप. इंडिया शुरू से ही वन था, एक था. एंड हमारे जो डिजायर्स थे, एम्बिशंस थे, वो अलग थे. दैट वॉज डिवाइडेड इंटू सोशल स्टेटस. तो वी वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ नेशन, लेकिन वहां पर क्या था, दे वर नॉट पार्ट ऑफ अ नेशन. सो इंडियन जो इंडिया का नेशनलिज्म मूवमेंट है, दैट वॉज टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ द होल इंडिया. वहां पर क्या था, इट वॉज द पैच वर्क ऑफ स्टेट्स. तो द फर्स्ट वी कम इज ग्रीक. ग्रीक जो है इट हैज बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, समवेयर ऑन द सदर्न साइड ऑफ यूरोप के पास में आता है ये. दिस इज वन ऑफ द वेरी डिस्टर्बिंग एरिया, मर्सिडोनिया, ग्रीस, ये वाले वहां पे आता है. बट इट इज सेड दैट ग्रीस इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. क्रैडल किसको बोलते हैं, झूला, पालना, जहां यूरोप के सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. इट इज सेड टू हैव द बेस्ट हिस्टोरिक, मतलब की हिस्ट्री बोला जाता है ग्रीक को, हमेशा ही हम बोलते हैं ग्रीक इज सेड टू बी, जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उनकी भी बहुत मतलब की बीच से, इवन एथेंस ग्रीक के अंदर आपका जो है ये ओलंपिक वगैरह स्टार्ट हुआ था. तो ग्रीक इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस, बट एट दैट टाइम इट वॉज अंडर द इस्लामिक रूल, विच दे डिड नॉट वॉन्ट. They wanted it to be independent, not under any Islamic rule. So they wanted
They wanted the public support from across the वर्ल्ड, और उनको सपोर्ट किया था कई पोएट्स राइटर्स, जिसमें से लॉर्ड बायरन ने इवन फंड ऑर्गेनाइज किया था. इवन ही वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही वॉज डेड बिकॉज ऑफ फीवर. अल्टीमेटली जो लोगों, मतलब यहाँ पर सी, देर वॉज नो नेशनल मूवमेंट, लाइक देर वॉज नो लीडर, बट इट वॉज द पीपल सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस यूरोप कि ग्रीक गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1832 विद द ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. वन मार्कर क्वेश्चन, वन मार्कर क्वेश्चन. दिस इज हाउ पीपल अक्रॉस यूरोप हेल्प ईच अदर, दो दे बिलोंग टू अदर एरियाज बट वो लोग सपोर्ट करते थे. वहां पर जितने भी आपके, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, रोमांटिज्म, दिस रोमांटिज्म इज नॉट क्लास 10, दैट निब्बा निब्बी रोमांटिज्म. यहाँ रोमांटिज्म इज आर्ट, पोएट्री, सॉन्ग, थ्रू विच द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्प्रेड. द इमोशंस आर स्प्रेड. दे वॉन्टेड अ वर्नाकुलर, मतलब अपने लैंग्वेज को दे वॉन्टेड टू फोकस. देर वर पीपल हु सेलिब्रेटेड दिस नेशनल स्ट्रगल थ्रू म्यूजिक, लाइक कैरोल कर्पिंस्की. कुछ लोगों ने अपना लैंग्वेज को अपना जो है टूल बनाया, जो आगे हम पढ़ेंगे. कुछ लोगों ने कल्चर को बनाया, लाइक जोहन गॉटफ्राइड ने बोला दैट कॉमन पीपल, दैट इज दास फॉक, थ्रू दिस कॉमन पीपल वी कैन हैव द नेशन दैट इज फॉकजी. इट्स नॉट वॉक, इट इज फॉक. दैट्स सिंगल नेशन. वन मार्कर क्वेश्चन है ये सिर्फ वन मार्कर क्वेश्चन है. नाउ लैंग्वेज 3 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर क्वेश्चन, सिंस यू विल बी हैविंग 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर. लैंग्वेज वॉज ऑल्सो यूज बाय मेनी ऑफ द पीपल, स्पेसिफिकली इन पोलैंड. जो पोलिश थे उन लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया एंड दे वर सेड दैट दे हैव टू लर्न रशिया, रशियंस. सो मेनी पोलिश, पोलिश मीन्स द पीपल बिलोंग टू पोलैंड, दे इवन यूज्ड कम, मतलब कि अपनी बात को मनवाने के लिए, रिवॉल्ट करने के लिए द बिशप्स, द प्रीस्ट यूज दिस लैंग्वेज फॉर चर्च गैदरिंग. और जब रशियन गवर्नमेंट को पता लगता था तो उन लोगों को वो सबसे ठंडे वाले एरिया साइबीरिया भेज देते थे. बट दे डिड नॉट फियर, दे डिड नॉट फियर, दे यूज द लैंग्वेज टू शो देयर रेजिस्टेंस, क्योंकि पोलैंड हैड बीन, मतलब कि उसको जो है रशिया का पार्ट बना दिया गया था फोर्सिबली. सो दे वॉन्टेड देयर ओन इंडिपेंडेंस. नाउ पोलैंड इज अ सेपरेट कंट्री. सो पीपल शोड देयर रिवॉल्ट थ्रू डिफरेंट वेज, लाइक लैंग्वेज को बनाया उन लोगों ने, उन्होंने मतलब कि अपने म्यूजिक को बनाया. देन इवन जर्मन ब्रदर्स जो थे, जर्मन में जो मतलब कि टू ब्रदर्स वर देयर, दे हैड इवन रिटन द फोक लेयर फॉर द चिल्ड्रन. देर वर सो मेनी पीपल हु हैड यूज्ड आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, स्टोरीज एंड इवन लैंग्वेज टू क्लेम दैट दे बिलोंग टू वन. मतलब अब मैं, इफ आई एम बिलोंगिंग टू से तमिलनाडु, तो फॉर मी आई शुड सपोर्ट ऑल द तमिलियंस इन दैट वे. बट दैट वॉज ऑल्सो द पीरियड ऑफ हार्डशिप, हंगर, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मोर इंडस्ट्रीज थे तो हाथों वाले कपड़े कम बिकते थे. देर वर पीपल, द पीजेंट्स वर फोर्स टू पे द रेवेन्यूज बट दे वर नॉट एबल टू, अर्निंग कम थी. देर वॉज वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म, पॉपरिज्म मतलब कंगाल हो गए थे. दैट वॉज अ पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज एंड दैट वॉज ऑल्सो फ्रांस के अंदर लुइस फिलिप जो भागा था, ये वही था, ये वही वाला पीरियड था. सो देर वॉज, एक तरफ पीपल वर ट्राइंग टू असेंबल, दूसरी तरफ पीपल वर ऑल्सो फेसिंग द हार्डशिप.
लाइक हार्डशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सिलेसियन रिवॉल्ट, आया है कभी, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन इन द स्कूल क्वेश्चंस, 3 मार्कर में आया हुआ है स्कूल में। सिलेसिया में देर वर सम वीवर्स, दोज हु वर डिमांडिंग मोर मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, जो उनको पैसा देते थे कपड़ा बनाने के लिए, बट देयर डिमांड्स वर नॉट कंसिडर्ड, उल्टा उनको डांट लगाया जाता था। अल्टीमेटली जो वीवर्स थे दे वर सो एजिटेटेड दैट दे अटैक दीज कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके घर को तोड़फोड़ कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर एंड अल्टीमेटली व्हेन ही केम अप केम बैक विद द पुलिस, 11 वीवर्स वर शॉट डेड। दैट्स कॉल्ड एज अ दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेसियन रिवॉल्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पहले हम लोगों ने पढ़ा अबाउट ग्रीक, अब हम पढ़ेंगे अबाउट जर्मनी। ग्रीक के अंदर देर वॉज नो बिग मूवमेंट, द पीपल द पोएट्स द मतलब की म्यूजिक दे ऑल हेल्प, बट इन जर्मनी देर वॉज अ बिग मूवमेंट, बिकॉज जर्मनी जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं था। जर्मनी एंड प्रशिया वर टू डिफरेंट एरिया एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि जर्मनी ऐसा नहीं था, जिसमें जर्मनी इटली पोलैंड ऐसा नहीं होता था। देर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देर वॉज नो प्रॉपर मतलब की, तो वहां जो प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन आर्टिजन थे उन लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाया, जस्ट लाइक फ्रेंच में फ्रांस के अंदर। एंड दे ऑल ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे दे ऑल मेट एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, 1 मार्कर क्वेश्चन, एंड दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आस्क द किंग फ्रेडरिच विलहेम टू अडैप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसको उसने मना कर दिया। एंड नॉट ओनली मना किया, ही इवन डिसबैंडेड द एंटायर असेंबली, उसने अपने ट्रूप्स भेजे इन मतलब की जो असेंबली था उसको डिसबैंड कर दिया। देर वॉज कंप्लीटली केओस उस वक्त, देर वॉज नो पॉलिटिकल राइट्स, विमेन जो थी दे वॉन्टेड बट दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट्स। द इवन इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मनी का एक हिस्सा, द विमेन वर ओनली अलाउड टू वॉच बट दे वर नॉट पार्ट। तो जो जर्मनी का स्टार्ट हुआ था 1848 में एंड इट एंडेड इन 1871, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है डेट के ऊपर। इट स्टार्टेड इन मे 1848 एंड इट एंडेड इन जनवरी 1871। तो जब ये पार्लियामेंट फेल हो गया, व्हेन दे देर वॉज नो वन टू लुक एट दैट टाइम, प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था ऑटो वॉन बिस्मार्क, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, ही इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। 1 मार्कर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने प्रशियन आर्मी ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो लोग कोर्ट में काम करते हैं इन सबके साथ मिलकर, ही हैड अ वेरी गुड डिप्लोमैटिक, मतलब डिप्लोमैटिक मतलब उसके उसका अच्छे जान पहचान भी थी, ही हैड गुड स्किल्स, ही फॉट सेवन मतलब कि 7 वॉर्स विद इन 3 ईयर्स एंड अल्टीमेटली प्रशिया एंड जर्मनी वॉज यूनिफाइड ऑन 18 जनवरी 1871 इन द हॉल ऑफ मिरर्स, इन द हॉल ऑफ मिरर्स। एंड जो प्रशिया का जो किंग था ही वॉज गिवन द थ्रोन, एंड जो प्रशियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरे जर्मनी के अंदर जो है दैट वॉज स्टार्टेड यूजिंग। दिस इज हाउ फ्रॉम 1848 टू 1871 जर्मनी में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आई, बट ऑटो वॉन बिस्मार्क विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी ब्यूरोक्रेट्स ही हेल्ड द वॉर एंड अल्टीमेटली इट वॉज यूनिफाइड। नाउ कम्स इटली। इटली में पॉपुलेशन वॉज बिट इलिटरेट। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्मॉल स्टेट्स
जिनमें एक एरिया था सर्दिनिया, विच वॉज एक्चुअली रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंस। बाकियों में कहीं ऑस्ट्रिया रूल करता था, कहीं स्पैनिश लोग यूज करते थे, कहीं पोप रूल कर रहा था। तो एक इटाली को एक करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। दिस इज इटाली, दिस इज इटाली, इट इज द सेंट्रल इटाली। द किंगडम ऑफ सर्दिनिया वॉज द ओनली वेयर द ओरिजिनल प्रिंस वॉज देयर। जो किंगडम ऑफ सिसिलीज था वो अलग था, पैपल स्टेट वॉज रूल्ड बाय पोप, ऊपर वाला जो था दैट वॉज अंडर ऑस्ट्रिया। तो वहां पे जो उनका चीफ मिनिस्टर था एंड गिसेप मजनी के जो लोग थे, मजनी उसके थ्रू विक्टर एमानुअल जो है, विक्टर एमानुअल वॉज अ किंग वॉज अ प्रिंस। उनका जो प्राइम मिनिस्टर था काउंट कैवोर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, ही वॉज द वन जिसने विक्टर एमानुअल से आर्मी लिया एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, क्योंकि ही वॉज वेरी टैक्टफुल, उसे फ्रेंच फ्रांस की मदद ली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगाया। देन ही मार्च्ड अलोंग विद वन मोर पर्सन जिसका नाम था गिसेप गरिबल्दी। ये जो गिसेप गरिबल्दी था ही वॉज एक्चुअली अ फॉलोअर ऑफ गिसेप मजनी एंड उसने अपने साथ में जो लोकल पीजेंट्स होते हैं फार्मर्स उनको अपने साथ में रखा एंड मार्च टू साउथ इटली टू सिसिली, द सिटीज ऑफ टू सिसिली एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल दीज पीजेंट्स वहां का जो स्पैनिश रूलर था उसको वहां से भगा दिया। एंड इन दिस मैनर द इटली विच वॉज डिवाइडेड इंटू सेवन स्टेट्स बिकेम वन एंड जो विक्टर एमानुअल था ही वॉज मेड द किंग। वहां के जो लोग थे दे वर सो इग्नोरेंट, दे वर सो इग्नोरेंट कि उनको ये भी नहीं पता था कि जो विक्टर इमानुअल है, सॉरी जो ला तालिया वो लोग बोलते थे, द स्लोगन दैट वाज एक्चुअली अ स्लोगन। उनको लगता था ला तालिया इज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ किंग विक्टर इमानुअल, येट दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन दिस इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड इटली जो है वो एक हो गया। पहले क्या था, इटली वॉज इटली, लेकिन जो रूलर्स थे वो अलग अलग एरिया के होते, कोई स्पैनिश रूलर था, कोई पोप रूलर था, कोई मतलब कि बोरबोन का था। नाउ इट वॉज अंडर द इटालियन रूलर। थ्री थ्री और फाइव मार्कर दोनों में आता। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाउ ब्रिटेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटेन डिड नॉट हैव एनी मूवमेंट, ब्रिटेन वॉज ऑलवेज अ रिच एरिया। ब्रिटेन के अंदर क्या था, इंग्लैंड जो अभी भी है, स्कॉटलैंड, वेश, आयरलैंड, ये है। लेकिन जो इंग्लैंड था दैट वाज मोर पावरफुल और उन्होंने बहुत पहले ही दे हैड कंफिस्केटेड द पावर एंड वहां पे मोनार्की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था दैट वाज वेरी पावरफुल एंड रिच आल्सो। सो यूजिंग देयर पावर एंड देयर वेल्थ दे स्लोली ग्रेजुअली ट्राई टू कंट्रोल द अदर एरियाज लाइक आपका वेल्श, आयरलैंड एंड आपका जो नाउ स्कॉटलैंड। नाउ प्रॉब्लम क्या थी कि आयरलैंड में जो लोग थे दे वर डिवाइडेड इन आयरलैंड। सम ऑफ द पीपल वांटेड आयरलैंड टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटेन वेयर एज सम वांटेड इट टू बी एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देयर वर पीपल लाइक वॉफ, WOLFE, जिन्होंने कोशिश भी की थी बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। सो विद द एक्ट आयरलैंड को तो इंग्लैंड का पार्ट पहले ही बना दिया, बट इन स्कॉटलैंड और वेश इट वॉज डिफरेंट। स्कॉटलैंड के अंदर क्या था, द स्कॉटिश हैड देयर ओन कल्चर बट इंग्लैंड उनको अपने कल्चर को या अपने कपड़ों को पहनना पसंद नहीं करती थी।
But they were repressed because Scotland was not rich. Britain was rich. They were forbidden to speak their Gaelic languages. They were forbidden to wear their dress. या उनको अपने घरों से निकाल दिया जाए. And it was 1707 एक्ट जिसने इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को भी एक कर दिया. आयरलैंड का हम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अल्टीमेटली विद द डिफरेंट कन्फिस्केशन, कन्फिस्केशन उनको जो है यूजिंग दी ट्रेटीज उनको एक कर दिया गया. एंड टुडे इफ वी टॉक, इंग्लैंड इज यूनाइटेड किंगडम विच कंप्राइजेस ऑफ आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेश. इंग्लिश इज देयर नेशनल लैंग्वेज एंड गॉड सेव दी नोबल किंग इज देयर उनका जो है नेशनल सॉन्ग है. एंड यूनियन जैक इज देयर फ्लैग. बट अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पर जो आयरलैंड है या फिर स्कॉटलैंड है या वेश है, दे वर ऑल सेपरेट. बट इन आयरलैंड पीपल वर वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटेन, बट इन अदर पार्ट स्कॉटलैंड वगैरह में दे डिड नॉट वॉन्ट, येट इट वॉज फोर्सिबली कन्फिस्केटेड. तो वाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज, बिकॉज वहां पर देर वॉज नो ब्लडशेड, देर वॉज नो वायलेंस, देर वॉज नो मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं था. जैसे जर्मनी में मूवमेंट हुआ था, नेशनल असेंबली ने मांगा था, दे वॉन्टेड अ सेपरेट, यू नो देर वॉज अ वॉर. फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन हुआ था. इटली के अंदर जो है काउंट केवॉर और गरिबल्डी ने लिया था. बट इन इंग्लैंड सच थिंग्स डिड नॉट हैपन. इट वॉज विद ड्यू टू द पावर ऑफ ब्रिटेन, दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट, द वेल्थ, द पावर दैट दे वर एबल टू अनेक्स दोज एरियाज टू इंग्लैंड. इसीलिए हम उसको स्ट्रेंज केस बोलते. सो दिस इज हाउ अ न्यू मैप वॉज देयर. जर्मनी विच इज नाउ जर्मनी एंड प्रशिया को एक, उसके बाद भी देयर वर सम चेंजेस. उसके बाद आज हम लोग देख सकते हैं बेल्जियम इज अ सेपरेट पोर्शन, डेनमार्क आपका एक अलग है. इस तरफ आप पोलैंड देख सकते हो, नीचे आप जो हो यू कैन सी चेक एंड स्लोवैक्स आप देख सकते हो. यू कैन से स्पेन आपका, फ्रेंच आपका, स्विट्जरलैंड आपका. टुडे यू विल फाइंड ऑल दीज एरियाज. तो ये जो एरियाज को आज हम देख रहे हैं ना, इसका 90% वॉज एट दैट मोमेंट. सो ड्यूरिंग दोज मोमेंट देर वॉज विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन. द नेशन वर रिप्रेजेंटेड एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक पर्सन. जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, देर वर फीमेल फिगर्स लाइक फॉर फ्रांस मरियान, फॉर जर्मानिया जर्मेनिया फॉर जर्मन. देर वर सम सिंबल्स विच वर यूज एज एन एलिगोरी, मतलब हीरोइज्म. जैसे हम कहते हैं ना रेड कलर इज फॉर एंगर, तो उन्होंने डिफरेंट कलर्स डिफरेंट चीजों को जो है परसोनिफाई किया था. दीज आर द वन, दीज कैन बी पार्ट ऑफ योर मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू. ब्रोकन चेन मीन्स फ्रीडम. ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेंथ. ओक, ओक ट्री स्ट्रॉन्ग होता है तो हीरोइज्म. स्वॉर्ड ऑलवेज रेडी टू फाइट. ऑलिव इज पीस, ग्रीन कलर. द ब्लैक रेड एंड गोल्ड दैट वॉज ओल्ड फ्लैग एंड राइजिंग सन बिगनिंग ऑफ न्यू एरा. सो दिस वॉज हाउ द न्यू यूरोप वॉज फॉर्म, हाउ द पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दे बिलोंग टू वन नेशन एंड हाउ दीज उनके जो ये आइडियाज थे दिस शेप्ड अप इनटू अ नेशन. लाइक जर्मनी, जर्मन एंड प्रशिया बिकेम वन, देन इटली बिकेम वन, फ्रांस बिकेम वन. बट देर वर सम एरिया, जैसे हमने ग्रीक पढ़ा था, तो ग्रीस, रोमानिया, अल्बेनिया, मर्सिडोनिया, क्रोएशिया, दे आर वेरी स्मॉल एरियाज. एंड यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको स्लैव्स बोला जाता है. दे ऑल हैव डिफरेंट कल्चर्स, दे ऑल हैव रिवैलरी, आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे. एंड ओवरऑल इस पूरे एरिया को बाल्कन्स बोला जाता है. बाल्कन्स के अंदर ये सारा एरिया आपका आता है, दैट इज रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया. और ये आपको इसमें से तीन चार तो लर्न करना होगा. यू हैव टू लर्न इट. दे यूज टू बी फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर. सारे छोटे छोटे एरिया से दोनों
मतलब कि हर एक एरिया जो है दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, एंड इस वजह से क्या हुआ कि दे बिकेम मोर जेलस ऑफ ईच अदर, और इसका फायदा उठाने की कोशिश की ऑल द बिग पावर्स, दैट इज रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, ये सब चाहते थे दैट बैल्कन जो है वो उनका पावर बन जाए, उनका हिस्सा बन जाए, और इसकी वजह से बिकॉज एवरी वन वॉन्टेड दैट एरिया फॉर देयर ट्रेड एंड वो लोग कॉलोनाइज करना चाहते थे, मतलब रशिया भी उसी एरिया को कॉलोनाइज करना चाहती थी, जर्मनी भी, एंड दिस वॉज विच लेड टू अ फाइट अमंग दीज कंट्रीज, जिसको फाइनली हम लोगों ने नाम दिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपके पेपर में आता है और आ सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट वर द मतलब की इवेंट्स दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर व्हाई डू वी से दैट बाल्कन वाज एन एरिया ऑफ रिवाल्री और टेंशन, आपके बैक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिस यू हैव टू राइट अबाउट द इवेंट्स, और जो इवेंट्स था वो यही था कि बाल्कन्स में जो लोग रहते थे दे वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, दे देयर वर डिफरेंट पीपल्स एंड ईच वन वॉन्टेड टू ओवर पावर ईच अदर, मोर ओवर जो आपके सुपर पावर्स थे लाइक आपका ब्रिटेन, रशिया, सॉरी इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, दे ऑल वॉन्टेड कंट्रोल ऑन दीज एरिया फॉर ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन, विच लेड टू अ फाइट अमंग ईच अदर विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वाई डू वी कॉल इट एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ईच ऑफ द पावर वॉन्टेड टू ओवर पावर दिस एरिया एंड दे वर सपोर्टेड बाय अदर एरियाज, और एक तरफ से वर्ल्ड में जो है देर वर टू ग्रुप्स, वन सपोर्टेड दिस एरिया, वन सपोर्टेड एक्सिस को, दूसरे ने उसको किया, एंड दैट वॉज हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली हैपन, सो दिस इज हाउ द नेशनलिज्म डेवलप अमंग पीपल, हाउ इट स्प्रेड इन डिफरेंट एरियाज, इसके अंदर जो मेटरनिच के 3 कोट्स है, व्हेन फ्रांस नीजेस वाला, देन गिसप मजिनी को सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा एनिमी बोलने वाला, ही वॉज द वन हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वेना, ये तीनों आपको लर्न करना इन 1 मार्क, जो फर्स्ट प्रिंट दिया है दैट कैन कम फॉर इंटरप्रिटेशन, ऑल द सिंबल्स विच आर देयर दे कैन कम फॉर इंटरप्रिटेशन, दीज टू जो आपकी पिक्चर्स हैं जर्मेनिया एंड मेरेन, ये आपके इंटरप्रिटेशन में आ सकता है ये क्या है, एंड देन इटली यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफिकेशन लर्न कर लेना, ग्रीक के अंदर विच वॉज द ट्रेटी विच यूनिफाइड ग्रीक इन टू मतलब कि इंडिपेंडेंट नेशन वाला इंपॉर्टेंट है, सिलेसियन समटाइम्स इट कम फॉर 2 और 3 मार्क, तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन देर इज वन क्वेश्चन की वॉट वॉज द रोल ऑफ विमेन, तो ओवरऑल इन यूरोप इफ वी से द विमेन डिड नॉट हैव मच ऑफ पावर्स, इनफैक्ट ड्यूरिंग द जर्मन रेवोल्यूशन द विमेन इवन ट्राई टू फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स, दे इवन ट्राई टू फॉर्म देयर न्यूज पेपर्स, बट दे वर नॉट गिवन एनी पावर्स, इट वॉज अल्टीमेटली इन 1848 व्हेन फ्रांस के जो मतलब की विमेन थे दे हैड गॉट द पावर्स ऑफ इक्वल राइट्स, तो विमेन वर नॉट अलाउड टू बी पार्टिसिपेंट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बट दे कुड ओनली विटनेस दी थिंग्स फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी, ये एक मतलब की है, देन हाउ लैंग्वेज कल्चर प्लेड, तो आपको इसके अंदर जो है लैंग्वेज और कल्चर वाला जो ये वाला एरिया है कैरोल केपिंस्की जन आपका गॉटफ्रिड हर्डर, ये वाला आपको इसके अंदर लिखना है, एंड लैंग्वेज को कैसे बनाया था पोलैंड के जो लोगों ने, दे हैड यूज पॉलिश लैंग्वेजेस इन द रिलीजियस एरियाज चर्चेस, बट दे वर पनिश्ड एंड सेंट टू सर्बिया, दैट्स अ वन, सो दिस इज व्हाट वी कॉल, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नोट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ हिज ऑन गिसप मजनी एंड गिसप गरिबल्दी एंड काउंट केवॉर एकाध बार आए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज द चैप्टर विच वी कॉल एज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप,